Hello students, I am Dr. Vinod Kamle. In this video, we are going to see the last institute which supports to the business. और ये institution का नाम है World Bank. So let us see कि किस तरीके से World Bank जो होती है वो business को support करती है. ये जो World Bank है ये एक international organization है जो developing nations को finance, advice और research जो होता है ये तीन चीजें provide करते हैं. मतलब अगर किसी भी developing nation को कोई भी project के लिए या कोई भी developmental activity के लिए finance की जरूरत है तो World Bank के द्वारा provide किया जाता है, या किसी भी चीज के लिए advice अगर चाहिए रहता है तो World Bank के द्वारा provide किया जाता है, और जो भी research activities वगैरह होती है information collect करने के लिए तो वो भी World Bank के द्वारा की जाती है. ये जो वर्ल्ड बैंक है ये एक्चुअली में बैंक नहीं है, बट इसके अंदर दो इंस्टीट्यूट्स है. पहला है द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको IBRD बोला जाता है, और दूसरा है द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसको IDA बोला जाता है. तो ये दो इंस्टीट्यूट जो है वो वर्ल्ड बैंक के अंदर कंप्राइज होती है, या उसके ये दो पार्ट्स है. इसी के साथ वर्ल्ड बैंक जो है वो और भी तीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है, जिसमें पहला है द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, दूसरा है द मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, और तीसरा है द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स. तो इस तरीके से ये जो पांच ऑर्गेनाइजेशन है इनको कलेक्टिवली वर्ल्ड बैंक बोला जाता है. तो अगर आप लोगों को पूछा जाए कि वॉट इज वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक जो है वो ये पांच ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन है. नाउ प्रेजेंटली अगर हम लोग देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक के 189 मेंबर कंट्रीज है, और ये 189 मेंबर कंट्रीज जो है वो वर्ल्ड बैंक के ओनरशिप को शेयर करते हैं. नाउ जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ल्ड बैंक के अंदर ये पांच ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो ये पांच ऑर्गेनाइजेशन की क्या एक्टिविटीज होती है वो हम लोग अभी देखते हैं. सबसे पहले था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब IBRD. इनका काम क्या है, जो भी मिडल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज है उनको डेट फाइनेंस प्रोवाइड करना, मतलब कि उनको लोन प्रोवाइड करना, जो भी उनको रिक्वायरमेंट है लोन की वो फुलफिल करना. दूसरा मैंने ऑर्गेनाइजेशन आपको बताया था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, मतलब IDA. ये क्या करते हैं कि जो भी पुअर कंट्रीज है उनके गवर्नमेंट को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है, ताकि पुअर कंट्रीज का भी डेवलपमेंट हो जाए, और ये जो लोन दिया जाता है इसके ऊपर किसी भी तरीके से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता नहीं है. तीसरा ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये जो IFC है वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज के जो प्राइवेट सेक्टर से उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है. नाउ किस तरीके से ये लेस डेवलप्ड कंट्री के प्राइवेट सेक्टर्स का डेवलपमेंट करते हैं, तो उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, उनको एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, मतलब किसी भी मैटर में अगर उन लोगों को एडवाइस चाहिए तो वो उनको दी जाती है, प्लस उनका असेट मैनेजमेंट सर्विसेज जो होती है वो IFC के द्वारा हैंडल की जाती है. तो इस तरीके से ये जो IFC है वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज के प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करने का काम करते हैं. नेक्स्ट है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है डेवलपिंग कंट्रीज में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, मतलब FDI को प्रमोट करते हैं. तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए और उनका डेवलपमेंट हो, ये इनका ऑब्जेक्टिव है. और लास्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट. यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट होता है, मतलब दो देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट को लेके अगर कोई भी झगड़े वगैरह होते हैं तो इनको आर्बिट्रेशन के द्वारा जो होता है सॉल्व किया जाता है. आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दोनों पार्टीज को सुनती है, और दोनों पार्टीज को सुनने के बाद में वो अपना जो भी ओपिनियन होता है वो उनको दिया जाता है, और यहाँ पे जो केस होते हैं या डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सॉल्व किया जाता है. तो इस तरीके से ये जो पांच ऑर्गेनाइजेशन का मिलके वर्ल्ड बैंक बना हुआ है, ये पांच ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग लेवल पे काम करते हैं. नाउ वर्ल्ड बैंक जो है वो 1944 में क्रिएट किया था, और ये क्रिएट किया गया था ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहां पे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड मतलब IMF भी क्रिएट किया गया था. तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये दोनों भी जो है 1944 में क्रिएट किया गया था ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में. इसका जो हेडक्वार्टर है वो है Washington DC के अंदर. नाउ वर्ल्ड बैंक का इंटेंशन ये है कि जो भी लो इनकम कंट्रीज है उनको टेम्पररी लोन प्रोवाइड करना, क्योंकि उनको बाकी कहीं से भी लोन नहीं मिल रहे हैं, और उसके वजह से ये लो इनकम कंट्रीज है इनको वर्ल्ड बैंक के तरफ से लोन प्रोवाइड करना. नाउ ये जो वर्ल्ड बैंक है वो अपने मेंबर कंट्रीज को फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दोनों भी प्रोवाइड करते हैं. फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब क्या, उनको जो भी डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस की जो जरूरत होती है वो प्रोवाइड की जाती है, प्लस उन लोगों को कहीं पे भी टेक्निकल सपोर्ट अगर चाहिए रहता है तो वो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. प्लस ये जो वर्ल्ड बैंक है वो पुअर
और मिडिल इनकम कंट्रीज को डेवलपमेंटल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, मतलब वहां पे जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कंडक्ट की जाती है ताकि उनका डेवलपमेंट हो जाए। नाउ ये जो वर्ल्ड बैंक है वो गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके वो पर्टिकुलर कंट्री के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लोग अपने बिजनेस को डेवलप कर पाए, प्लस उन लोगों को बिजनेस के लिए जो भी एडवाइस और जो भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है वो प्रोवाइड की जाती है। और इस तरीके से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को लोन प्रोवाइड करने की वजह से और एडवाइस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की वजह से वो कंट्री का पॉवर्टी रिडक्शन होता है, प्लस वो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। उसी के साथ साथ वर्ल्ड बैंक जो कुछ एरियाज के ऊपर फोकस करते हैं और वो एरियाज को इम्प्रूव किया जाता है। अब ये कौन से एरियाज है, तो जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो ये एरियाज के ऊपर फोकस करके ये एरियाज को इम्प्रूव किया जाता है। प्लस ये लोग अलग अलग जगह पे अपने फंड्स को यूज करते हैं, तो कहाँ कहाँ पे फंड्स को यूज करते हैं, तो फाइनेंशियल सेक्टर को मॉडर्नाइज करना, प्लस एग्रीकल्चर मैनेजमेंट करना और नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना, तो यहाँ पे भी ये लोग अपने फंड जो होता है वो यूज करते हैं, जिसकी वजह से कंट्री का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाए, एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो जाए और वहाँ के एनवायरमेंटल क्वालिटी जो डिग्रेड ना हो। नाउ वी विल सी द फीचर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। पहला फीचर है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। नाउ ये जो वर्ल्ड बैंक है इनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कौन कौन आता है, तो सबसे पहले हाईएस्ट में होता है द बोर्ड ऑफ गवर्नर, फिर बाद में होते हैं द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, थर्ड होता है द एडवाइजरी कमिटी, फिर लोन कमिटी, फिर प्रेसिडेंट और लास्ट में होते हैं दूसरे जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो। नाउ सारा जो पावर होता है ये बैंक का वो ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उनके हाथ में होता है और ये सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है जो वर्ल्ड बैंक की सारी जो पॉलिसीज होती है फ्रेम करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये वर्ल्ड बैंक का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है और सबसे हाईएस्ट में आता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। सेकेंड फीचर इज गोल्स। नाउ वर्ल्ड बैंक के दो गोल्स है और ये गोल जो है वर्ल्ड बैंक को 2030 तक अचीव करना है। ना पहला गोल है एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि जहां पे लोगों की पर डे की इनकम $1.90 से भी कम है, तो ऐसे लोगों का परसेंटेज जो है वो कम करना है बाय 2030 और ऐसे लोगों की जो संख्या है वो 3% से भी कम होनी चाहिए, ये उनका गोल है। दूसरा है प्रमोट शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, जिसका मतलब क्या होता है, जो भी बॉटम 40% सोसाइटीज है उनकी इनकम लेवल बढ़ाना या उनका वेलफेयर बढ़ाना। तो ये दो गोल जो है वो वर्ल्ड बैंक को 2020-30 तक अचीव करना है। वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, प्लस वर्ल्ड बैंक जो है वो यूनिक पार्टनरशिप के द्वारा, यूनिक पार्टनरशिप मतलब क्या, वहां के जो गवर्नमेंट है उनके साथ मिलके वो पर्टिकुलर कंट्री का पॉवर्टी रिडक्शन करना या वो पर्टिकुलर कंट्री को जो भी डेवलपमेंटल सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये सारे अलग अलग वर्ल्ड बैंक के गोल्स है। थर्ड फीचर इज फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को लो इंटरेस्ट लोन या जीरो टू लो इंटरेस्ट क्रेडिट या ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि यहाँ पे बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डेवलपिंग कंट्रीज को लोन प्रोवाइड किया जाता है या कभी कभी ग्रांट्स प्रोवाइड की जाती है। ग्रांट्स का मतलब क्या होता है, जहां पे उनको पैसे दिए जाते हैं और वो पैसे वापस नहीं लिए जाते हैं, तो इस तरीके से भी वर्ल्ड बैंक उनको हेल्प करती है। प्लस वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अलग अलग एरियाज में उनको सपोर्ट करती है। कौन से एरिया में उनको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल एंड प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये सारे एरियाज में वर्ल्ड बैंक क्या करता है, डेवलपिंग बैंक को हेल्प करता है ताकि ये सारे एरियाज का डेवलपमेंट हो जाए, और ये एरियाज का डेवलपमेंट होता है तो वो पर्टिकुलर कंट्री का डेवलपमेंट होता है। ना वर्ल्ड बैंक के कुछ प्रोजेक्ट जो होते हैं वो को फाइनेंस किए जाते हैं। को फाइनेंस का मतलब क्या होता है, थोड़ा पैसा जो होता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और थोड़ा पैसा जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा या दूसरे जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। नो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या, वर्ल्ड बैंक के जो ग्रुप्स वगैरह मैंने आपको 5 बताया है, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये सबको मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स है, तो इनसे को फाइनेंस किया जाता है या किसी कमर्शियल बैंक से को फाइनेंस लिया जाता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स, इनके साथ को फाइनेंस करके वो प्रोजेक्ट जो होते हैं वो अंडरटेक किए जाते हैं और जिसे डेवलपिंग कंट्रीज का डेवलपमेंट किया जाता है। नेक्स्ट फीचर इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से
इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनोवेशन मतलब क्या कि जहां पे रिसर्च करके नई नई चीजों को फाइंड आउट करना, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेसेस। तो जब इनोवेशन बढ़ता है, जब एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। वर्ल्ड बैंक जो है वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट्स के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, जिसके वजह से क्या फायदा होता है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने में हेल्प होती है, बिकॉज आप इनोवेशन कर रहे हो, इनोवेशन करके आप नई नई टेक्निक्स फाइंड आउट करते हो जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस बढ़ रहा है, तो पॉवर्टी भी कम हो जाएगा। प्लस यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, बिकॉज हर एक जन यहाँ पे इनोवेशन कर रहा है, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और नए नए प्रोडक्ट्स वगैरह जो है, नए टाइप के बिजनेसेस वगैरह जो है, या और नए मार्केट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, फर्म जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अचीव कर पाते हैं और अपने क्वालिटी को अपग्रेड कर पाते हैं। तो इस तरीके से वर्ल्ड बैंक जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है और जो ये सब चीजों को अचीव करने में हेल्प करता है। एंड द लास्ट फीचर इज सोशल डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक जो है वो गवर्नमेंट, कम्युनिटीज, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर और मार्जिनलाइज्ड लोगों के साथ काम करता है, जिसके वजह से सोशल डेवलपमेंट में हेल्प होती है। सोशल डेवलपमेंट जो होता है उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और जिसकी वजह से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो इम्प्रूव होती है। नाउ वर्ल्ड बैंक सोशल डेवलपमेंट में काम करती है, जिसके वजह से जो भी पुअर लोग हैं, जो भी वल्नरेबल लोग हैं, वो डेवलपमेंट प्रोसेस में आ जाते हैं। अगर वर्ल्ड बैंक ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया होता, सोशल डेवलपमेंट नहीं किया होता, तो ये पुअर लोग और वल्नरेबल लोग जो कभी भी डेवलप नहीं हो पाते। वर्ल्ड बैंक जो है वो सोशल रिस्क एनालिसिस भी करती है, जहाँ पे वो पॉवर्टी और सोशल इम्पैक्ट को एनालाइज करते हैं, मतलब कहाँ पे कितनी पॉवर्टी है और उसका सोशल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ये सब चीज़ों को एनालाइज करके पॉवर्टी को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। और इस तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो सोशल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्ल्ड बैंक। ये मेरे URL है जहाँ से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।